हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज़ द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। मतलब कि जब भी हम कोई डाटा को सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, किसके थ्रू? इंटरनेट पे, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम आईपी भी कह देते हैं। जैसे कि अलग अलग आईपी एड्रेसेस कहते हैं कि इस पे अलग अलग हर एक कंप्यूटर की अपनी आईपी एड्रेस अलग होती है। हर एक कंप्यूटर का अपना यूनिक आईपी एड्रेस है जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी भी कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ वर्जन्स हैं, जैसे कि इसके वर्जन्स हैं IPv4 एंड IPv6। इन दोनों का मोस्टली डिफरेंस पूछ लेते हैं पेपर में, सो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इनमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं जो आपको अभी मैं बताऊँगी। IPv4 क्या है? हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब मैं आप इसको डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, इसका पहला डिफरेंस है IPv4 का। इसमें क्या करते हैं, एड्रेसेस आर 32 बिट इन लेंथ। ठीक है, इसमें क्या 32 बिट लेंथ होती है जो इसका एड्रेसेस ये होल्ड करता है। और IPv4 6 में क्या है, एड्रेसेस आर 128 बिट इन लेंथ। ठीक है, इसमें 128 बिट लेंथ के एड्रेसेस होते हैं। IPv4 कब डेवलप हुआ था? 1981 में। और IPv4 6 कब हुआ था? डेवलप्ड इन 1991। अब जो है IPv4 एड्रेसेज आर बाइनरी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। ये क्या, जो इसके जो एड्रेसेज होते हैं वो क्या है, डेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं। और जो IPv6 एड्रेसेज हैं वो किसमें होते हैं, रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये मेन डिफरेंस आपको कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो इसकी एड्रेसेज होते हैं वो किसमें होते हैं, इसमें क्या है, डेसिमल में और ये हेक्साडेसिमल में। अब ये नेक्स्ट है IPv6। सेक मतलब सिक्योरिटी। हेडर पोर्ट इज ओनली ऑप्शनल। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शनल होता है। और IPv6 में क्या होता है, IPsec हेडर्स पोर्ट इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या है, जो हमारी फ्रेगमेंटेशन है इज डन बाय सेंडर एंड फॉरवर्डिंग राउटर्स। इसमें क्या करते हैं, जो सेंडर है और जो फॉरवर्ड राउटिंग होता है वो फ्रेगमेंटेशन इकट्ठे दोनों ही करते हैं। ठीक है, और IPv6 में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इज डन ओनली बाय द सेंडर। इसमें हम फॉरवर्डिंग राउटर से नहीं करते, इसमें क्या है, सिर्फ जो सेंडर होता है वही फ्रेगमेंटेशन करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, IPv4 में क्या, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल। इसमें क्या अवेलेबल नहीं होती, बट क्या है IPv6 में क्या है, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन इज अवेलेबल यूजिंग फ्लो लेबल फील्ड। हम फ्लो लेबल फील्ड से क्या है, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब IPv4 में क्या हैडर इंक्लूड्स आर चेकसम। ठीक है, इसमें क्या हम चेकसम को इंक्लूड करते हैं। और IPv6 में क्या हैडर डज नॉट इंक्लूड अ चेकसम। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। IPv4 में क्या होता है, इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड। इसमें क्या है, हम इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन जो सिक्योरिटी होती है वो इसमें प्रोवाइडेड नहीं होती। बट IPv6 है उसमें क्या है, इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन आर प्रोवाइडेड। इसमें क्या फुल सिक्योरिटी होती है, इसलिए हम IPv4 6 मोस्टली यूज़ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस मैसेज आर यूज टू सेंड ट्रैफिक टू ऑल नोड्स ऑन अ सबनेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, IPv4 में ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जिस जिसको हमने नोड्स को भेजना है। ठीक है, चाहे उसके सब नोड्स हो या उसके सब नेट्स हो उसको भी। बट IPv6 में क्या है, ब्रॉडकास्ट मैसेज आर नॉट अवेलेबल। इसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट मैसेज अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन आइदर मैनुअली और थ्रू DHCP। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मेनली वो मैनुअली होगी या उस किसके थ्रू होगी, DHCP की होगी। बट इसमें क्या है, IPv6 में डज नॉट रिक्वायर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और DHCP। इसमें क्या होता है, जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें IPv6 में होती है। इसमें क्या है, मैनुअली या थ्रू DHCP होएगा। इसमें क्या होएगा, IPv6 में मैनुअली नहीं होएगा, इसमें क्या होगा, ऑटो होएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, IPv4 में हैवी एप्लीकेशन यूज़। इसमें क्या होता है, हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या हैवी एप्लीकेशंस एंड प्रोटोकॉल स्टैक यूजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं लास्ट जो, IPv4 में क्या मोबाइलिटी इज़ नॉट बिल्ड इन बट इट इज़ सपोर्ट मोबाइल IP। ठीक है, इसमें क्या, जो मोबाइलिटी है वो इसमें मतलब बिल्ट नहीं है, बट क्या है, ये सपोर्ट करता है मोबाइल IP।
मोबाइल आईपी इज़ बिल्ट इन विद ऑप्टिमाइज राउटिंग। इसमें क्या हमारा हम मोबाइल आईपी किससे बिल्ड कर सकते हैं, थ्रू डायरेक्ट राउटिंग से हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल आईपी को। सो ये कुछ टेबलर फॉर्म ने इसका डिफरेंस बताया हुआ मैंने IPv4 एंड IPv6 का। सो ये काफ़ी कुछ पूछा जाता है पेपर में, ये सीधा मार्क्स से 5 और 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऐसे ही कुछ टेबलर फॉर्म डिफरेंस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और इसके ईजी तरह से आपको बता सकें। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।